हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंजन कूलिंग सिस्टम। तो सबसे पहले यहाँ पे इंजन में कूलिंग सिस्टम क्यों चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्री इग्निशन एंड नॉकिंग लिखा है, ठीक है। सो टू अवॉइड दिस प्री इग्निशन, मतलब कि अगर स्पार्क हो उससे पहले अगर इग्नाइट हो जाता है एयर फ्यूल मिक्सचर, देन इट इज़ कॉल्ड द प्री इग्निशन, ओके। और उससे नॉकिंग होगा, तो इसको अवॉइड करने के लिए ऐसा ही इंजन में इंजन कूलिंग होना जरूरी है। और कंप्रेशन इग्निशन की बात करें तो कंप्रेशन इग्निशन में क्या होता है, जनरली स्प्रे होता है, ठीक है, इंजेक्टर के थ्रू। और नॉर्मल कंप्रेशन होने के लिए कंप्रेशन इग्निशन में कूलिंग होना जरूरी है। इन शॉर्ट हमें क्या करना है, इन शॉर्ट द कूलिंग इज मैटर ऑफ इक्वलाइज ऑफ इंटरनल टेम्परेचर टू प्रिवेंट द लोकल ओवर हीटिंग। मतलब कि ओवर हीटिंग को रोकने के लिए हमें यहाँ पे कूलिंग की आवश्यकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सफिशियंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे हमें लिबरेट करनी पड़ेगी टू मेंटेन द ओवरऑल वर्किंग टेम्परेचर, ओके। नाउ रीजन फॉर द कूलिंग, यहाँ पे फिर से लिखा है रीजन फॉर द कूलिंग, टू प्रमोट हाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशियंसी, ठीक है। हाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इसीलिए कि अगर कूलिंग रहेगा तो डेंसिटी जो होगी एयर की वो ज़्यादा रहेगी, तो उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी हमें अच्छी मिलेगी। टू एंश्योर द प्रॉपर कम्बशन, जितनी डेंसिटी अच्छी होगी उतना उसका कम्बशन भी अच्छा होगा। एंड टू एंश्योर द मैकेनिकल ऑपरेशन एंड रिलायबिलिटी, ओके। नाउ इफेक्ट ऑफ ओवर कूलिंग, फ्रेंड कूलिंग करना जरूरी है लेकिन अगर ओवर कूलिंग हो जाता है तो क्या होता है, द थर्मल एफिशिएंसी इज डिक्रीज। अगर ओवर कूलिंग होता है तो थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, डिक्रीज होता है ड्यू टू मोर लॉस ऑफ हीट कैरिड बाय द कूलेंट, क्योंकि कूलेंट से ज़्यादा हीट रिजेक्ट हो जाएगी। द वेपराइजेशन ऑफ फ्यूल, मतलब कि जो ऐसा इंजन में पेट्रोल का जो वेपराइजेशन होता है, जिससे कि वो जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, वो यहाँ पे कम होगा, इसीलिए कंबशन एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। लो टेम्परेचर इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट, मतलब कि लुब्रिकेंट है, ऑयल है, उसकी विस्कोसिटी अगर ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा, लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। नाउ टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम, तो सबसे पहले है यहाँ पे एयर कूलिंग सिस्टम, सेकंड इज लिक्विड कूलिंग सिस्टम, ये डायरेक्ट कूलिंग है और ये इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम है, ठीक है। सो जनरली जो मोटरसाइकिल है, टू व्हीलर है, जिसमें सिंगल सिलेंडर होता है, उसमें हमने देखा है कि एयर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ रहता है, और गाड़ियों में और जो हैवी लोडेड है उसमें हमने देखा है कि लिक्विड कूलिंग सिस्टम लगा रहेगा, यानी कि वहाँ पे रेफ्रिजरेंट हम सॉरी लिक्विड कूलेंट हम यूज़ करते हैं, ओके। नाउ एयर कूलिंग सिस्टम, अब एयर कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, इट्स डिपेंड ऑन द एयर फ्लो अक्रॉस द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द इंजन। ये सबको पता है कि फिन्स होती है, फिन्स जो बाहर फिन्स क्यों रहती हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एरिया बढ़ाना है, ठीक है, सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ाना है, इसीलिए फिन्स लगी रहती है, और ये फिन्स जो होती है वो कूलिंग के काम आती है, ठीक है। सो यहाँ पे एयर कूलिंग सिस्टम तो सबको पता है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं उसमें डिटेल में बताऊंगा, लेकिन कूलिंग फिन्स इन एयर कूल सिस्टम, द एरिया ऑफ कूलिंग सरफेस इज इंक्रीज बाय फॉर्मिंग थिन फिल्म आइदर इंटीग्रली बाय मशीनिंग दैम ऑन आउटर वॉल ऑफ द इंजन। आप यहाँ पे देख सकते हो ये फिन्स है, ठीक है, और इससे क्या होता है, एरिया बढ़ता है। नाउ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो यहाँ पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। सो एडवांटेज इज द एब्सेंस ऑफ रेडिएटर कूलिंग जैकेट कूलेंट पंप्स मेक्स इंजन लाइटर, मतलब कि यहाँ पे कोई वाटर जैकेट की कोई कूलेंट या पंप्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसीलिए इंजन लाइटर रहता है। नाउ इंजन कैन ऑपरेट इन अ कोल्ड क्लाइमेट वेयर लिक्विड में फ्रीज, मतलब कि अगर 0 डिग्री से नीचे हुआ तो लिक्विड जो होगा वो फ्रीज हो जाएगा, लेकिन ये पुरानी बातें हैं, अभी जो कूलेंट आ रहे हैं वो माइनस, अगर हम बात करें तो -80 डिग्री तक वो फ्रीज नहीं होते अभी कूलेंट की बात करें तो। इन प्लेस वेयर द वाटर इज स्कार्स एयर कूल्ड इंजन इज एडवांटेज, मतलब कि जहाँ पे पानी मिलना मुश्किल, ये बहुत पुरानी बातें हैं कि जहाँ पे पानी, पहले पानी डाला जाता था, अब कूलेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। हैंडलिंग ऑफ लिक्विड कूलेंट रिक्वायर पाइपिंग एंड पंपिंग ऑक्सिलरीज, एयर कूल्ड इंजन हैव नो कूलेंट लीकेज, ये ठीक है कि जो एयर कूल्ड इंजन है उसमें कूलेंट लीकेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेज,
तो रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज यूज टू ड्राइव द कूलिंग फैन, ठीक है। इंजन गिव्स लो पावर आउटपुट, कूलिंग फिन्स अंडर द सर्टेन कंडीशन वाइब्रेट, कूलिंग फिन की वजह से वहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होगा, ठीक है। नाउ कूलिंग इज नॉट यूनिफॉर्म, ये सही है, कूलिंग यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। नाउ इंजन आर सब्जेक्टेड टू हाई वर्किंग टेम्परेचर, इंजन में भी हो सकता है कि हाँ वर्किंग टेम्परेचर उसका बढ़ जाए, ठीक है। तो पहले दो जो है डिसएडवांटेज वो तो मुझे ठीक नहीं लग रहे, लेकिन लास्ट तीन वाले ठीक है। नाउ लिक्विड कूलिंग सिस्टम, तो यहाँ पे लिक्विड कूलिंग सिस्टम की बात करें अगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो है रेडिएटर है पूरा, ये वाला, ये अपर टैंक, ये लोअर टैंक है, ये फैन है, ठीक है। और यहाँ पे ये थर्मोस्टेट दिया हुआ है। अब थर्मोस्टेट का मैंने यहाँ पे दूसरी एक फिगर यहाँ पे बताई हुई है थर्मोस्टेट की, ठीक है। सो ये जो थर्मोस्टेट है वो इस तरह का होता है। देन ये हमारे चार सिलेंडर है, उसके बीच में वाटर जैकेट है, यहाँ से एयर आएगी रेडिएटर में, ठीक है। यहाँ पे फैन ऑन होगा। तो वर्किंग कैसे करता है फ्रेंड्स, लिक्विड कूलिंग सिस्टम जो है वो वर्क कैसे करता है? तो नॉर्मली ये जो थर्मोस्टेट है उसकी एक प्रॉपर्टी बोले तो वो रहती है कि जब तक 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं हो जाता कूलेंट का, ठीक है, ये जो है पूरा आपको दिख रहा है वो कूलेंट है। कूलेंट बेसिकली उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो -80 रहता है और बॉयलिंग पॉइंट जो है वो 180 समथिंग रहता है, इसीलिए वो जल्दी से मतलब बॉयल भी नहीं होता और फ्रीज भी नहीं होता, ये उसका मतलब एडवांटेज है, ठीक है। नाउडे वी यूज कूलेंट इन ऑल द व्हीकल्स। सो थर्मोस्टेट जो है, ठीक है, वो 90 डिग्री जब होगा टेम्परेचर कूलेंट का, उसके बाद ही ये ऑपरेट होगा। और ये आप देख सकते हो पहले ये इस तरह से बंद होगा, अगर थर्मोस्टेट बंद होगा यहाँ पे, तो जो यहाँ पे जो कूलेंट है वो यहाँ पे बायपास होता रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो कूलेंट है वो यहाँ से बायपास होता रहेगा, अभी थर्मोस्टेट बंद क्लोज कंडीशन में है, तो यहाँ पे कूलेंट जो है वो बायपास होता रहेगा। नाउ जैसे ही यहाँ पे कूलेंट जो है वो 90 डिग्री टेम्परेचर अटेंड करेगा, तो यहाँ पे थर्मोस्टेट की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। अब इस तरह से ये खुल गया तो यहाँ से वो अलाउ करेगा जाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से जाएगा तो वो पूरा रेडिएटर में जाएगा और कूलेंट रेडिएटर में ठंडा होके फिर से यहाँ पे पंप के थ्रू यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये जो फैन है वो लगा रहता है, मतलब वो सेंसर से लगा रहता है, वो ये एक्चुएटर है एक्चुअली फैन, और यहाँ पे एक सेंसर लगा रहता है, ये सेंसर ईसीयू को कमांड भेजता है कि इंजन का टेम्परेचर इतना हो गया है, तो जो ईसीयू है वो फैन को ऑन कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा जो कूलिंग सिस्टम है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम, ये वर्क करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके जो एडवांटेज है, बिकॉज ऑफ इवन कूलिंग ऑफ सिलेंडर बैरल हेड जैकेट मेक इट पॉसिबल टू रिड्यूस द सिलेंडर हेड एंड वाल्व सीट टेम्परेचर, मतलब सिलेंडर हेड एंड वाल्व टेम्परेचर वो रिड्यूस करता है, ठीक है। नाउ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द वाटर कूल्ड इंजन इज हायर देन द एयर कूल्ड इंजन, मतलब कि जैसे कि हमने बताया कि इसमें ड्यू टू गुड यू नो हीट रिमूवल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, जो डेंसिटी रहती है इनकमिंग एयर की वो ज़्यादा रहती है, इसीलिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन ऑफ इंजन विथ एप्रिसिएबली स्मॉलर फ्रंटल एरिया इज पॉसिबल, मतलब कि आपका फ्रंटल एरिया स्मॉलर रख के कॉम्पैक्ट हम जो जितना एचपी हमें चाहिए उसको हम कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा एचपी में, स्मॉल इंजन में हम ज़्यादा एचपी उसमें ले सकते हैं। इन केस ऑफ वाटर कूल इंजन इंस्टॉलेशन इज नॉट नेसेसरीली एट द फ्रंट ऑफ द मोबाइल व्हीकल एयरक्राफ्ट एटसेट्रा एज द कूलिंग सिस्टम कैन बी कन्वीनियंटली लोकेटेड, ठीक है, कूलिंग सिस्टम हम कन्वीनियंटली उसको लोकेट कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो द सिस्टम रिक्वायर्ड मोर मेंटेनेंस, ऑब्वियसली इसमें फैन होगा, पंप होगा, ठीक है, कूलेंट यूज हो रहा है, तो जो सिस्टम जो है उसका मेंटेनेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। नाउ इंजन परफॉर्मेंस बिकम सेंसिटिव टू क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है, इंजन परफॉर्मेंस जो है वो क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से थोड़ा सेंसिटिव हो जाएगा। जो पंप है उसको घुमाने के लिए यहाँ पे पावर उसमें एब्जॉर्ब होगा, यानी कि पावर लॉस होगा थोड़ा, पावर इट अफेक्ट द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन एंड
इन एन इवन फेलियर ऑफ कूलिंग सिस्टम सीरियस डैमेज मे बी कॉज ड्यू टू कॉज टू द इंजन. अगर कूलिंग सिस्टम कुछ फेल हो जाता है तो वो इंजन को डैमेज कर सकता है. नाउ यूज ऑफ एंटी फ्रीजर्स. फ्रेंड्स यहाँ पे जो बात हो रही है वो कूलेंट की बात हो रही है, ठीक है. ड्यूरिंग द विंटर ये पूरा मतलब ये समझाया है कि जो है ये कूलेंट रहता है वो एंटी फ्रीजर है, ठीक है. इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इथिलीन ग्लाइकोल इज द मोस्ट वाइडली यूज ऑटोमेटिव कूलिंग सिस्टम एंटी फ्रीज. ओके कूलेंट की बात कर रहे हैं. ऑल थ्रू मिथेनॉल इथेनॉल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्रोपिलीन ग्लाइकोल आर ऑल्सो यूज. नाउ वॉट शुड बी द रिक्वायरमेंट ऑफ एंटी फ्रीजर्स. ये जो कूलेंट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए. वो ईजिली मिक्स हो जाता है वाटर में, और यहाँ पे जो वाटर की बात है तो उसमें मोस्टली हम डिस्टिल वाटर प्रीफर करते हैं, ठीक है. तो डिस्टिल वाटर और कूलेंट दोनों को मिक्स करके हम डालते हैं. दिस शुड नॉट कोरोड द सरफेस विथ विच दे आर इन कॉन्टेक्ट. मतलब कि जो कूलेंट है वो सरफेस को कोरोजन उसमें नहीं होना चाहिए. देयर बॉइलिंग पॉइंट शुड बी हाई सो दैट लॉस ड्यू टू द इवोपोरेशन इज मिनिमम. बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, एंड उसमें जो फॉरेन मैटर्स जो रहता है दे शुड नॉट डिपोजिट एनी फॉरेन मैटर्स इन द जैकेट हॉस पाइप एंड रेडिएटर्स. इट शुड बी केमिकल स्टेबल गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. सो दीज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड लुब्रिकेंट, ठीक है. और दूसरी जो है लास्ट बात जो है, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो यूज़ करते हैं वो भी कूलेंट के तरह वर्क कर सकता है. जो ऑयल होता है हमारा वो भी एक तरह का कूलेंट ही है, ठीक है. सो लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज इन इंजन ऑल्सो हेल्प्स टू कूल द इंजन. द हॉटर पार्ट्स लाइक पिस्टन फेस बैक सरफेस ऑफ द पिस्टन क्राउन, ठीक है. पिस्टन क्राउन पिस्टन का नीचे का जो भाग है वो उसको वो कूल करता है, ठीक है. यूजुअली डन बाय द स्प्रेइंग ऑफ ऑयल बाय प्रेशराइज सिस्टम और स्प्लैश इन नॉन प्रेशराइज सिस्टम. स्प्लैश मैकेनिज्म जो है स्प्लैश लुब्रिकेशन उससे वो कूल करता है. अदर कंपोनेंट लाइक कैमशाफ्ट कनेक्टिंग रोड ये सब जगह जो है ऑयल सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, और उसको कूल करता रहता है. सो दिस आर द बेसिक थिंग्स ऑफ कूलिंग सिस्टम ऑफ आईसी इंजन. ओके सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.